था तो उन्होंने ऐसे बोला था कि 2025 में गाड़ी रिवेल होगी और बुकिंग चालू होगा और डिलीवरी हो सकता है जनवरी 2026 को होगी। मैंने बाप रे बाप, ये देखो गाड़ी हमारी चमक रही है ना, ब्लैक कलर और डार्क होता जा रहा है, धीरे धीरे और डार्क होता जा रहा है, और जैसे जैसे डार्क होता जा रहा है वैसे वैसे इससे प्यार बढ़ता जा रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो सब लोग। और अभी हम निकले हैं ऑफिस के लिए, और अपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मेरा जो साउथ इंडिया का ट्रिप है वो कैसा रहा और क्या क्या हुआ उसके साथ, और ये ऐसा भी हो रहा है। हाँ, क्यों बीच में से ख़त्म करके वापस आ गया, 12-13 दिन की ट्रिप में 5 दिन में ख़त्म करके आया, तो ये सब रीजंस तो आपने वो लास्ट ब्लॉग देखा होगा। और अगर आपने साउथ इंडिया रोड ट्रिप के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, आपको प्लेलिस्ट, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा 6 एपिसोड का। तो अभी तो जैसे मैं एज यूजल ऑफिस पे निकला हूँ और अभी ऑफिस पे जाएंगे, स्टार्टिंग ऑफिस पे पहुँच के 2 घंटे जो होते हैं ना स्टार्टिंग के, वो थोड़ा काम का लोड थोड़ा ज़्यादा होता है। सब पूरा अरेंजमेंट करता है, पूरा दिन का शेड्यूल बनाने रहता है कि आज क्या क्या करना है, आज कौन से कस्टमर को क्या देना है, कौन से कस्टमर को डील करना है, कौन से कस्टमर को जो प्रोमिसिस किए हैं वो निभाने हैं, क्योंकि बिजनेस को भी साथ में लेके चलना होता है, यूट्यूब को भी साथ में लेके चलना होता है, तो सब चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है। तो अभी ऑफिस पे जाऊँगा, काम देख लूँगा और उसके बाद आपसे एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ऑफिस से निकलते ही एक भाई का फ़ोन आया, कुछ पेपर्स कलेक्ट करने उनके यहाँ से, तो वहाँ जा रहे, बाकी ये डीजल ख़त्म हो गया। लास्ट मैंने सापुतारा पहुँचने से पहले पहले भरवाया था, आई थिंक 3,000 का, हाँ 3,000 का भरवाया था। उसके बाद यहाँ पे आके मेरे को 2 दिन हो गए, अभी तक भरवाया नहीं। तो सबसे पहले डीजल भरवाएंगे, उसके बाद वहाँ से पेपर्स कलेक्ट करेंगे, फिर ऑफिस पे जाएंगे। दिल बड़ा छोटे कर जान बारी दिया पर साडे मुंह नाल कभी नहीं छड़दा यार नहीं तेरी तो दम जान। अपनी गाड़ी थार में एक दिक्कत है, अपनी गाड़ी मतलब सब गाड़ी सब थार में ये दिक्कत है एक जैसी, कि आपको पेट्रोल डीजल भरवाना है तो आपको चाबी जो है इग्निशन ऑफ करके चाबी निकाल के चाबी देनी पड़ेगी, तो वो भाई पीछे की ढक्कन खोलेंगे, पेट्रोल का ढक्कन खोलेंगे, फिर डीजल पेट्रोल भरेंगे और फिर हो जाएगा, उसके बाद आपको देंगे। तो तब तक गाड़ी बंद करनी पड़ती है, चाबी देनी पड़ती है। तो शर्माना कि आप पुश बटन नहीं दे रहे हो, पर नॉर्मल चाबी तो दे दो, बाकी जैसे यहाँ पे कहीं पे नीचे जो फ्यूल ढक्कन खोलने का होता है ना वो वाली स्विच दे दो तो आसानी रहे। ये बार बार ये चाबी दो लो दो, ये लेन देन समझ में नहीं आती है। पुश बटन नहीं मांग रहे हैं, पर ये लॉक खोलने का, पेट्रोल लॉक खोलने का बटन तो दे दो। अभी 5 डोर वाली आ रही है तो देखते हैं उसमें क्या है। वैसे तो वीडियोज यूट्यूब में बहुत सारे है कि भाई लीक हो गई लीक हो गई लीक हो गई, बट एंड टाइम तक आप कुछ नहीं कह सकते कि उसका इंटरव्यू किस तरह से आने वाला है। मैंने लास्ट टाइम अपने अंकित भाई महिंद्रा के शोरूम में जो है उनसे पूछा था, तो उन्होंने ऐसे बोला था कि 2025 में गाड़ी रिवेल होगी और बुकिंग चालू होगा और डिलीवरी हो सकता है जनवरी 2026 को होगी। मैंने बाप रे बाप, इतना बड़ा कंपनी ने खुद से ही वो क्या बोलते हैं हाइप बढ़ा दिया है कि लोग ऐसा ही करेंगे, रिलीज तो होने दो भाई। अब ये देख लो, ये 4 रास्ते पे देखो सिग्नल चालू हुए हैं और यहाँ से लोग आते जाते रहते और यहाँ ऐसे फालतू में ट्रैफिक जाम करके बैठे हैं। हमारे इंडिया में यही दिक्कत आती है कि कोई ट्रैफिक रूल अच्छे से फॉलो नहीं करता है। अगर सब लोग एटलीस्ट ट्रैफिक रूल अच्छे से फॉलो करें ना, तो ये जो जाम जगह जगह जाम होते हैं ना वो ना हो। खाली खाली सब लोग परेशान होते हैं, जिसमें उसमें जेन्युइन लोग जो होते हैं ना, जिसको जेन्युइन लेट हो रहा है वो लोग ज़्यादा परेशान हो। देखो अभी ये भाई साहब देखो, सिग्नल खुल गया फिर भी तोड़ के आ रहे हैं। देखो ये भाई साहब, सिग्नल टूट खुल गया फिर भी देखो है बीच में आ गए ना, सबको रोक के रखेंगे, ये सबको रोक के रखेंगे। बहुत शातिर महानुभाव लोग है ये। लो भाई पहुंच गए हमारे प्यारे से ऑफिस पे, अब गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे। और भाई गर्मी स्टार्ट हो गई है, गर्मी तो देखो जबरदस्त गर्मी हो रही है, अभी गाड़ी तो पूरी तप जाती है ब्लैक कलर की।
तो यहाँ पे थोड़ा ये मैं क्या करता हूँ, ये ग्लास है ना थोड़ा सा खुला छोड़ देता हूँ, तो हवा का आवन जावन रहे ना, तो गाड़ी इतनी गर्म ना हो अंदर, मतलब अंदर जो गर्मी घुस जाती है ना अंदर, वो ना रहे। चलो ऑफिस पे। हाँ जी, अभी ऑफिस पे आके काम ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे जितना हुआ काम निपटाते हुए और शेड्यूल सेट करने में, पूरा दिन का शेड्यूल सेट कर, जैसे मैंने अभी बोला। तो एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली वीडियो की कि आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी है, डिस्कस मैंने ऑलरेडी मेरे ग्रुप में, मेरे सर्कल में, मेरे फ्रेंड लोग को ये डिस्कस कर लिया टूर के रिलेटेड, टूर के आने के बाद। अब देखो, मैं थार लेके गया था, अब महिंद्रा थार में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कहीं गाड़ी ने रुका नहीं। एक बार स्टार्टिंग में पंचर हुआ, पर पंचर तो वो ऑफिस बात है, कभी भी कहीं भी हो सकता है, रोड के खराब होने से या किल घुस जाने से कभी। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि लॉन्ग रूट में जाओ तो थार में सस्पेंशंस की वजह से जंपिंग होती है, गाड़ी कूदती बहुत है, तो इसको 100 के ऊपर लेके जाने में स्पीड में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और जब बम्प आते हैं स्पीड ब्रेकर खड्डे तो बहुत कूदती है, तो ये वाली दिक्कत थार में बहुत रहती है। तो बेसिकली सब लोग बोलते हैं कि थार को लॉन्ग रूट में ले जाना सही डिसीजन नहीं होता है, मज़ा नहीं आता है। तो मेरे दिमाग में 50-50 ख्याल हो गए हैं। एक ये कि भाई थार लॉन्ग रूट में ले जानी चाहिए या नहीं ले जानी चाहिए। मैं लेके गया, मेरे को प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम ये कि बैक पेन, लोअर बैक पेन में पेन होने लगा, और खड्डे होते हैं तब जंपिंग रहती है, जैसे कि हमने अहमदाबाद टू उत्तराखंड किया था क्रेटा से, अहमदाबाद टू मनाली किया था क्रेटा से, अहमदाबाद से गोवा किया था ब्रेजा से, तो वो चीज़ें इतना प्रॉब्लम वाली नहीं थी। इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत रहा, तो थार में ये चीज़ रहती है। तो अगली अगर लॉन्ग ट्रिप अगर मेरे को करनी है तो मैं किस तरह से करूँ। अब रही बात ब्रेजा की, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपके पास ब्रेजा थी कहाँ है, ब्रेजा थी कहाँ है, और मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो में ब्रेजा को लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि देखो थार आ गई है ऑटोमेटिक और वो है मैनुअल, तो मैं उसको कभी हाथ लगाता ही नहीं, ऐसा ही समझो। दूसरी बात कि वो पापा को दे दिए, पापा अब उसको कभी कभी उनको कहीं जाना होता है तो वो ड्राइव करते हैं, तो उनके पास है नहीं, पर फिर भी एक ट्रिप का तो मैं फाइनल नहीं बोल सकता हूँ कि ब्रेजा से ट्रिप करूँगा या नहीं करूँगा, बट अहमदाबाद में कोई छोटी मोटी जगह पे चले गए विद इन 20-25 किलोमीटर में या 50 किलोमीटर में कहीं पे चले गए, तो ब्रेजा डेफिनेटली एक दिन जाऊँगा ब्रेजा को लेके और उसके साथ वीडियो बनाऊँगा। बाकी ब्रेजा भी है अपने पास, पर वो डिफरेंस कहाँ पर आया है पता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल का। और ये चीज़ हम जब हमारे दोस्त जो है मुर्तुजा भाई, हमारे पार्टनर, कल हम सब लोग साथ में थे, तो वहाँ पे क्या बात हुई, वे बेसिकली वो भाई कभी भी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलाते, तब बोलते थे कि भाई ऑटोमेटिक में क्या है, नहीं मज़ा आता है, ये है वो है, पर जब से वो भाई की मर्सिडीज़ है शुभम भाई की, तब से वो साथ में घूम रहे, मर्सिडीज चला रहे, तो उनको भी कल मेरी एक्चुअली थार वो चलाने लगे कल चला रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई यार सच में ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में बहुत मज़ा आता है चलाने में, मतलब बिंदास आराम आराम से जा सकते हैं, तो ये डिफरेंस है, तो वो मैनुअल है और ये ऑटोमेटिक है। पर एक अच्छा सा कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ब्रेजा को सेल आउट करके ऑटोमेटिक ब्रेजा लूँ या उसके कंपेरिजन में कुछ और गाड़ी लूँ, पर सोच रहा हूँ 3-4 महीने के अंदर अंदर ये डिसीजन ले लूँगा, क्योंकि वो ब्रेजा जो पड़ी होती है पापा भी इतनी ज़्यादा चलाते हैं नहीं, तो मैंने सोचा कि अगर रखनी है तो कुछ ऑटोमेटिक ले ले, या तो फिर ऐसा करेंगे कुछ और, मतलब कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो यस ब्रेजा के साथ एक वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। चलो बज गए रात के 9, अब जाएंगे घर की तरफ, गाड़ी में बैठ के आपसे बात करते हैं। अभी निकले हैं घर के लिए, और आज की बात का ये चीज़ था कि भाई महिंद्रा थार से मेरे को आगे की ट्रिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि भाई एक तो रूट नहीं मिल रहा था, ऊपर से अनजान रास्ते, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, पर सही सलामत घर पहुंच गए, उससे बड़ी क्या बात होती है। तो ये गाड़ी को इसके लिए मैं थैंक बोलना चाहता हूँ कि ये गाड़ी ने मेरे को एक्सीडेंट एटलीस्ट सही सलामत घर तो पहुंचाया, तो मेरे लिए तो हाँ सही था। बस जो लॉन्ग रूट में महिंद्रा का परफॉर्मेंस है थार का, कि भाई बैलेंस रहती नहीं है, वो उबड़ खाबड़ रास्तों में गाड़ी जैसे वाइब्रेट हो रही है जैसे अभी हो रही है, 100+ नहीं जा सकते हो, तो वो सब चीजें है। देखिए अभी आगे की ट्रिप जब थोड़े दिनों में होने वाली है तब सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीज लाइट कर रहा हूँ ऐसे लाइट दो हाथों से ऐसे एक में, देखो ये नई चीज लेके आया ना मैं, फोकस आ गया। मैंने एक्चुअली दूसरा वाला कैमरा का लाइट पीछे लगा दिए, फ्लैश लाइट चालू कर दिए, तो सोचेंगे। और बहुत जल्द ब्रेजा के साथ भी मैंने बोला जैसे वीडियो बनाऊंगा और ब्रेजा की एक छोटी सी ड्राइव भी कर लेंगे। तो चलो गाइस इतने ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कल के व्लॉग में, सी यू, सायोनारा। कल एक सरप्राइज है।